जिस जमीन पर राजस्व विभाग ने कब्जा दिलाया उसी जमीन पर अतिक्रमण करवाने का आरोप थाना प्रभारी पर लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने बताया कि गडरिया टोल प्लाजा के पास भानु प्रताप सिंह एवं मेरे भाई बुद्ध सेन पटेल की जमीन पर अवैध ढंग से अनिल सिंह भदौरिया, अरुण प्रताप सिंह, भोलानाथ पटेल, राम निवास पटेल, महेंद्र पटेल व अन्य द्वारा कब्जा कर दिया गया था, जिसका प्रकरण तहसील न्यायालय में दायर था। तहसील न्यायालय से आदेश दिनांक के 15 दिवस के अंदर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था तथा कलेक्टर रीवा भी एसडीएम एवं तहसीलदार को शीघ्र अवैध कब्जा हटाकर मूल भूमि स्वामी भानु प्रताप सिंह एवं भाई बुद्धसेन पटेल को कब्जा दिलाने पत्र लिखा था। इसके बाद नायब तहसीलदार यतीन्द्र शुक्ला एवं सहायक उप निरीक्षक सिटी कोतवाली सोनी तथा राजस्व अमले के अधिकारियों की उपस्थिति पर कब्जा दिला दिया गया था, जिस पर भानु प्रताप सिंह एवं बुद्धसेन पटेल ने अपनी बाउंड्री वॉल एवं कमरे का निर्माण करा लिया गया, जिसको दिनांक 18 मई को अनिल सिंह भदौरिया व 50 की संख्या में गुंडों ने बनाया हुआ गेट तोड़कर दीवार बना रहे हैं तथा बना बनाया कमरा भी गिराने की फिराक में है। मेरे भाई बुद्धसेन पटेल अन्य कार्य से शहडोल गए हुए हैं। उन्होंने जानकारी होने पर 100 डायल को फोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं। उनके संरक्षण पर अवैध कार्य कराया जा रहा है। सिविल कोर्ट से मामले का स्टे भी है और यह स्टे है कि कोई भी पार्टी जहां है वहीं रहेगी, एक दूसरे के एरिया में कोई निर्माण नहीं करेगी। बाउंड्री निर्माण की लिखित में जानकारी 17 मई को सिविल कोर्ट में दे दी गई थी। समर वैकेशन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। कब्जे से संबंधित फोटोग्राफ सभी सिविल कोर्ट में पेश किए गए हैं। इसके बाद भी 18 मई को अनिल सिंह भदौरिया, अरुण प्रताप सिंह, भोलानाथ पटेल, राम निवास पटेल, महेंद्र पटेल व अन्य द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह के संरक्षण से अवैधानिक निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज करा दी गई है। आरोपीगण टीआई के संरक्षण में बनाया हुआ घर गिरा सकते हैं, हम लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। कोतवाली पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया। धरने पर बैठे विश्वनाथ चोटीवाला कहा, FIR एवं अन्य मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम लोगों ने गड़ेदिया स्थित टोल प्लाजा के पास में धरने पर बैठे हैं। ये धरना हमारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। सिटी कोतवाली के टीआई के संरक्षण में अनिल सिंह भदौरिया, भोलानाथ पटेल, अरुण प्रताप सिंह, महेंद्र पटेल द्वारा हमारी बाउंड्री वॉल तोड़ा गया। हमारे बाउंड्री वॉल में लगे गेट को तोड़ करके गायब कर दिया गया है। इसकी शिकायत मैंने कल ही 18 मई को सिटी कोतवाली पुलिस ने की है। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आप वहां जाकर के रिपोर्ट करिए, शिकायत दर्ज करिए, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, FIR दर्ज करूंगा। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सिटी कोतवाली की पुलिस और TI ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बाउंड्री वॉल में लगे गेट को तोड़ करके गायब कर दिया गया और उत्तर साइड की हमारी बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। और ये लगातार जब तक उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी, आरोपियों के खिलाफ, अनिल सिंह भदौरिया वगैरह के खिलाफ, तब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।